सेक्स प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको डील कैसे करते हैं, हम उसके बारे में बातचीत करूंगा। क्या होता है, कोई भी आदमी सेक्स प्रॉब्लम लेके आता है हमारे पास में, तो हम उसको उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि भाई उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और हो रहे हैं। वो कौन से हो रहे हैं? नंबर एक, उसको बहुत एंग्जाइटी हो रही है अभी सेक्स के बारे में, मतलब चिंता है, वही विचार बार बार आते रहता है, चिंता आती रहती है कल क्या होगा, आज रात को तो हुआ नहीं, या आज रात को ढीला पड़ गया या जल्दी हो गया, कल क्या होने वाला है, पूरे दिन वो गड़बड़ गड़बड़ चिंता चालू है, विचार चालू है, एंग्जाइटी हो सकती है। और फिर एंग्जाइटी के स्टेज में वो जाता है दूसरे दिन कोशिश करता है, वहाँ फेल हो जाता है, फिर और एंग्जाइटी होती है। तो ये पहला। फिर दूसरा ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है सेक्स नहीं हो रहा है तो। फ्रस्ट्रेशन होना मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, नफरत करना, और उसके बारे में मतलब रिजाइन हो जाना कि भाई ये इसमें कोई मतलब नहीं है, और फ्रस्ट्रेट हो जाना बिल्कुल कि कोई इच्छा नहीं, अभी नहीं होना भाई, ऐसा हो सकता है, फिर वो टालना। तीसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन आता है कि मैं सेक्स करने का अभी लायक नहीं हूँ, मैं तो आदमी में से निकल गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, तो मेरे से सेक्स नहीं होगा तो फिर वाइफ निकल जाएंगी, तो उसमें डिप्रेशन भी है और चिंता भी है। फिर नेक्स्ट यदि सेक्स प्रॉब्लम है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी बहाने बनाना चालू कर देता है, सेक्स टालते जाता है, नहीं आज का मेरा पेट ठीक नहीं है, आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, आज मेरा किसी से झगड़ा हो गया है, फिर रात में कुछ तो भी काम निकालना, फ़ोन करना, कुछ काम करना ऑफिस का या बिजनेस का काम करना, बोले देखो मेरे को कितना काम है, और वाइफ सोने के बाद में सोने के लिए जाना, मतलब ऐसा कुछ तो भी करना और टालते जाना सेक्स। फिर नहीं तो वो लोग क्या करते, फिर आदमी औरत से झगड़ा कर लेगा कुछ ना कुछ कारण निकाल के, फिर झगड़ा हो गया तो फिर सेक्स करने काम ही नहीं, तो बोलेगा नहीं कि मुझे सेक्स प्रॉब्लम है, फिर औरतें हमारे पास में लाती है कि देखो इनको करना क्या है बुरा, असली बताओ क्या हो रहा है, तो सेक्स टालने का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है दोनों के रिश्ते खराब होना, आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं सेक्स ठीक नहीं है तो, क्योंकि औरत बोलती है भाई मेरी करने की इच्छा है, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, शादी होने को भी 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, हार्डली 2-4 बार ही इन्होंने किया होगा, मेरे को बार बार उनको बोलना पड़ता है करो करो करके, पीछे लगना पड़ता है, बड़े मुश्किल से ये करते हैं, तो बहाने बनाएगा तो मैं भी कितने दिन सहन करूँगी, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तब ये जब कपल आता है हमारे पास में, अकेला भी आदमी आता है, तो हम उसको पूछते रहते हैं कि तीन में से कौन सी जगह प्रॉब्लम है, मेनली तीन जगह प्रॉब्लम होता है, उसमें से कौन सा, नंबर एक उसकी डिज़ायर है कि मतलब इच्छा ही हो रही कि नहीं हो रही। तो जिनका बचपन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बचपन में उसको मतलब कोई पनिश किया है सेक्स के बारे में, बच्चे क्या करते कि सेक्स को मतलब सेक्स ऑर्गन को हाथ लगाते हैं, खेलते हैं, फिर उसके माँ बाप उसको मारते हैं, पिटते, गंदा कहीं का गंदी जगह हाथ लगा रहा क्या ऐसा, तो फिर उसको लगता है कि सेक्स मतलब गंदा है, ये होता है। या बचपन में माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा है और उसको लगा रहे बाप रे कुछ तो भी भयंकर हो रहा है ये, या सेक्स के बारे में कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल चुप रहना है, सेक्स गंदा है गलत है, और बचपन से ही वैसे संस्कार हुए हैं तो इच्छा ही नहीं होती। फिर झगड़ा है दोनों का, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मानसिक बीमारी है, मतलब यहाँ इच्छा में क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा नहीं रहे तो आगे का कोई मामला होता ही नहीं, कुछ काम ही नहीं होता आगे। फिर दूसरा है कि इच्छा है मगर एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, जब आदमी एक्साइट हो जाता है, बहुत उत्तेजित हो जाता है, तो उसमें उसके लिंग में टाइटपना आता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, उत्तेजित ही नहीं हो रहा है, वो टाइटपना नहीं आएगा। औरत जब उत्तेजित हो जाती है तो उसकी योनि गिली हो जाती है, तो गिली हुई योनि नहीं हो रही है, लिंग का अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है, योनि जो है गिली नहीं हो रही है, वेट नहीं हो रही है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि औरत एक्साइट नहीं हो रही है, और आदमी का इरेक्शन नहीं हो रहा है, कठोरता नहीं आ रही। तो ये मैंने पहला डिज़ायर, दूसरा एक्साइटमेंट, और तीसरा ऑर्गेजम, मतलब चरम सीमा पे पहुंचना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम चरम सीमा पे पहुंचते ही नहीं, एक्साइटमेंट आने के बाद में वैसे ठंडे हो जाते, जल्दी गिर जाता है तो मालूम ही नहीं पड़ता, या फिर वो चरम सीमा पे पहुंचने के पहले ढीला हो जाता है। क्या चरम सीमा क्या होता है मालूम ही नहीं है, या फिर डिस्चार्ज होता ही नहीं है, कितने समय तक करते बैठो डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो ऑर्गेजम हो रहा है कि नहीं औरत को और आदमी, औरत को और आदमी को वो देखना पड़ेगा, और वहाँ फिर वो पर्टिकुलर इलाज हम करते हैं उसका। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों को स्पेसिफिकली लोग बोल सकेंगे अपने सेक्सोलॉजिस्ट को कि भाई मेरा ये स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है, ये इलाज करो, नहीं तो क्या होता है कि इच्छा ही नहीं है, भलते इलाज कर रहे हैं।
देखो आप सेक्स टैबलेट कोई भी लेते हो, इच्छा नहीं है तो सेक्स टैबलेट कोई काम नहीं करेगी, कितनी भी महंगी सेक्स टैबलेट लो, क्योंकि सेक्स टैबलेट लेने के लिए पहले इच्छा होना जरूरी है। तो ये लोगों का अज्ञान जो है वो दूर करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक जल्दी सॉल्व हो सकेंगे। ये वीडियो आप जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।